बालिका सुरक्षा अभियान के बाद एंटी रोमियो दस्ता अब नए फ्लेवर में नजर आएगा। इसके लिए कार्ड सिस्टम की भी व्यवस्था की गई है। इस बात की विस्तृत जानकारी एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने हमारे सिटी वन संवाददाता को देते हुए कहा। ये एडीजी साहब, आईजी साहब के मार्गदर्शन में तथा कप्तान साहब के निर्देशानुसार जनपद स्तर पे एंटी रोमियो और जुलाई अभियान काफ़ी कारगर रहा है। जुलाई अभियान के अंतर्गत हमने लगभग 2,41,000 बच्चों से संपर्क स्थापित किया है, जो अपने आप में ही काफ़ी अच्छा पहल रहा हमारे द्वारा। एंटी रोमियो में हमने उनकी मॉनिटरिंग और उनको और प्रभावी बनाने के लिए कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया है। इसमें हम वाइट कार्ड, ब्लैक स्पॉट और रेड कार्ड का एक सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वाइट कार्ड में हम बच्चों को वाइट कार्ड देंगे, जिसमें हम उनका फीडबैक लेंगे, युवतियों को, बच्चियों को, कि वो बताएं कि उनको कहां कहां पर असुविधा और असहज स्थिति मिली, किस जगह पे, किस समय पे, ताकि हम उनके फीडबैक के आधार पे अपनी टीमों को और बेहतर तरीके से चेकिंग में लगा सकें। उनके बाद उन फीडबैक के आधार पर हम ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करेंगे। हर थाने क्षेत्र में कुछ ऐसे स्पॉट्स होंगे जहाँ पर रेगुलर इस तरह की चीज़ पाई जाती है कि शोधे बैठे रहते हैं या असहज स्थिति उत्पन्न करते हैं। उन ब्लैक स्पॉट्स पे एंटी रोमियो टीम रेगुलर विजिट करती रहेगी, और जो इस तरह के शोधे पाए जाते हैं, जो अभी बॉर्डर लाइन हैं मगर अभी उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया है मगर उन्हें काउंसलिंग की आवश्यकता है, इन शोधों को हम रेड कार्ड देंगे। इस रेड कार्ड में ये लिखा होगा, उस रेड कार्ड की प्रति आप लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है, उस रेड कार्ड में ये लिखा होगा कि उनके कृत्य किस तरह से गलत है, उनको किस किस कृत्य पर ध्यान देना चाहिए, तथा उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग स्थानीय पुलिस तथा LIU द्वारा की जाएगी। उस मॉनिटरिंग से उनके मन में थोड़ा ये बना रहेगा कि उनको अपने आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उनकी रेगुलर काउंसिल